ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है इसका, मगर हमारे यहाँ के ब्रेकर्स खराब है। 80 या 90 के बाद ये शेक करने लग जाती है आगे, क्योंकि 125 सीसी है। ऑफ कोर्स इसमें ये लुक के हिसाब से ऊपर है, मगर ये है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अभी भी देख रहा हूँ 99 केएमपीएल बता रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज मैं आपके लिए रेडर 125 पर वीडियो लेकर आ गया हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रहा था आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ये ऐसी बाइक है ना, मतलब जिसे भी 125 सीसी के सेगमेंट में एक बाइक लेना रहती है, पहली प्रायोरिटी वो रेडर को रखता है। ओनर से हम ये भी पूछेंगे कि यार एसपी 125 और बहुत से ऑप्शंस थे, तो इस गाड़ी को क्यों लिया और इतने किलोमीटर्स चला लिए, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। सो हर्ष भाई मेरे साथ ज्वाइन हो गए। भाई व्यूअर्स को सबसे पहले ये शेयर करना कि इसकी ऑन रोड प्राइस अपने को क्या पड़ी थी एंड कितनी वेटिंग थी। इसकी वेटिंग तो काफ़ी थी, ऑन रोड प्राइस मुझे एक्चुअली 1.17 पड़ी थी, क्योंकि मैंने फाइनेंस कराई थी, पर कैश में 1.6 में मिल रही थी इसका जो दूसरा वाली वेरियंट है वो। और वेटिंग तो एक्चुअली इतनी थी कि जब मैं गया था उन्होंने कहा था कि 1 महीने की आपको वेट करना पड़ेगा सिर्फ, मतलब बहुत कम इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था जगह जगह पर, स्टोर्स पर कम आ रही थी। तो लेकिन लकीली मैं एक स्टोर पर गया जहाँ वो रेडी हो गए, कि उनके पास जितनी 4 खड़ी थी उसमें से एक वो मुझे देने के लिए तैयार थी, तो उनका पहला कस्टमर मैं ही रहा और मुझे उस तरह से फाइनली मिल गई। जैसा कि अभी आपके सामने गाइस ये ब्लैक कलर है, एंड पर्सनली मुझे भी ये सबसे ज़्यादा ब्लैक में ही अच्छी लगती है। 4 कलर चॉइसेस मिलती, तो ब्लैक कलर लेने का कैसा क्या प्लान बना? क्योंकि जो दूसरे कलर्स थे वो मुझे इतने पसंद नहीं आए इसमें। इसमें येलो आता है, रेड आता है और ब्लू आता है, जो कि मुझे इतने नहीं जमते हैं। ब्लैक थोड़ा फाइन लगता है, स्लीक लगता है, इसलिए ब्लैक। बट एक चीज़ मानोगे कि नहीं, इस पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, बिकॉज भाई अभी गाड़ी भी धुलवा के लाया है रिव्यू के लिए, तो मतलब क्या मेंटेनेंस तो ज़्यादा लगता ही होगा। काफ़ी धूल चढ़ जाती है जब देखो तब, पर वही है इसका जो रगेड लुक रहता है वो मुझे पसंद आता है। लुक एंजॉय करना है तो गाड़ी की सर्विस भी टाइम टू टाइम रखनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे ना, 125 सीसी के सेगमेंट में बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट हम अगर मेन ऑप्शंस को कंसिडर करें तो इसका एक सबसे बड़ा राइवल आता है होंडा का एसपी 125, सेकेंड ग्लैमर 125, या थोड़े और स्पोर्ट्स सेगमेंट में जाना हो तो पल्सर 125, एनएस 125 ऐसे ऑप्शंस थे। तो फिर भी मतलब रेडर रहने के पीछे क्या पूरी स्टोरी रही है? रेडर एक्चुअली इसलिए क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका बजट अगर टाइट है और आपको डेली कम्यूट करना है कॉलेज में, तो आपको माइलेज तो ऑफकोर्स चाहिए रहेगा। तो माइलेज तो ये सारी गाड़ियाँ भी देती हैं जिनका आपने नाम लिया, एसपी हो गई, ग्लैमर हो गई या पल्सर हो गई, जो भी हैं। मगर जो है दूसरी बाइक्स उनमें उतने अच्छे ये स्लीक लुक्स नहीं है, इसमें एक नेकेड बाइक का लुक आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और एसपी हो गई, ग्लैमर हो गई, वो मुझे इतनी अच्छी लुक वाइज अच्छी नहीं लगती है। पल्सर मुझे शुरू से कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। और उसके अलावा कौन सा ऑप्शन बताया था आपने? NS125 भी एक ऑप्शन। NS125 का एक्चुअली उससे ज्यादा ये माइलेज दे रही थी काफी। हाँ, एक माइलेज भी कंसर्न था, तो बहुत बड़ा कंसर्न था क्योंकि कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है, तो डेली कम्यूट, पेट्रोल के प्राइसेस। गाइस मतलब एक चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ कि इतने बेटर लुक्स के साथ माइलेज, बिकॉज एसपी कहीं ना कहीं एक फॉर्मल लुक हो जाता है। अगर आप इसके फीचर्स भी देखोगे, पूरा एलईडी सेटअप, फ्रंट प्रोफाइल, मतलब एसपी कहीं ना कहीं, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, मतलब एक इतने सालों से शाइन आती थी उसी का अपग्रेडेड वर्जन ये है। तो देखो कंपनी कितना भी माइलेज क्लेम करती हो 65-70, बट तुमने अभी अराउंड कितने किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है? मैंने एक्चुअली इस गाड़ी को चला लिया है 5,500 किलोमीटर विद इन 6 महीने हो चुके हैं मुझे। 6 महीने हो गए, 6 मंथ का ये रिव्यू है, मतलब अच्छी खासी चला ली है 5,500। सो गाइस आप देख सकते हैं अराउंड 5,600 किलोमीटर चल गई है। तो एक्चुअल में अपने को सिटी एज वेल एज हाईवेज पे क्या माइलेज मिला? एक्चुअली में जो कंपनी क्लेम करती है वो 70 तक क्लेम करती है, 63-70 KMPL, पर मैंने जितना नोटिस किया है मुझे 45-55 मिला है। 55 सिटी में मिल जाता है और 45 अगर मैं रश चलाता हूँ। जनरली आपके ऊपर है, आप कैसे बाइक चलाते हो उसके ओनर टू ओनर वेरी करता है। सिटी में गियर चेंजिंग भी ज़्यादा रहती है, बट कभी ऐसा नहीं करा कि यार इकोनॉमी पे चला के हाईवे पे इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट कराओ? मैंने उस हिसाब से टेस्ट नहीं किया, मैं ये देखता था कि मैंने कितने दिनों में कितने का पेट्रोल भरवाया और कितनी चल गई है कॉलेज का कम्यूट ये सब, तो उस हिसाब से 45-55 एक रहता था। प्रॉपर टेस्ट मैंने कभी किया मतलब सिटी में, सिटी पर्पस के लिए गाड़ी ली और 55 का माइलेज इतने अच्छे लुक्स एंड पिकअप के बाद, मतलब माइलेज से तो सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल। हाईवेज पे तो मतलब कौन सी लंबी कम्यूट जाना हुआ इससे? हाईवेज पे इतना लंबा कम्यूट नहीं हुआ है, देवास, उज्जैन जो इंदौर के आसपास जगह है, या जाम गेट हो गया, इन जगहों पर ही गया हूं मैं। मतलब अराउंड 101 किलोमीटर का तो टूर हो चुका है। हाँ, तो हाई स्पीड में कैसा क्या इसकी स्टेबिलिटी, सस्पेंशन कैसे हैं, देन पीलियन का कंफर्ट, ओवरऑल कैसा क्या एक्सपीरियंस, कौन सा एक लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस हो तो एक बार व्यूअर्स के साथ शेयर कर देना। हाई स्पीड जो मैक्सिमम मैं इसे ले गया हूँ वो था 103 और 80 या 90 के बाद ये शेक करने लग जाती है आगे, क्योंकि 125 सीसी है ऑफ कोर्स। मतलब वाइब्रेशंस आते हैं, स्टेबिलिटी गाड़ी की हाई स्पीड में नहीं है? नहीं।
तो इससे आप जो आप सोच रहे हो कम्यूट करोगे हाईवेज पे लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओगे तो ये थोड़ी प्रॉब्लम उसमें देगी, तो कम्यूट के हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। गाइस वैसे भी 123 kg इसकी बाइक है, लाइट वेट ही बाइक है, हालांकि SP से थोड़ा इसका ज़्यादा वेट है, बट ये है कि सिटी कम्यूट के लिए तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। अब अगर पिलियन कम्फर्ट की बात करें तो सीट्स के बारे में क्या कहना है? पिलियन कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, ये सीट्स वैसी नहीं है जैसे मैं अपनी मम्मी को अगर बैठाना चाहूँ तो उनके लिए तो अभी भी ऐसी है, तो उन्हें वो लगता है। मतलब SP या बाकी गाड़ियों में देखोगे तो बेसिक ही, बट वही चीज़ आ जाती है अपने कॉलेज स्टूडेंट है, स्पोर्टी फील चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ऐसी है कि जो दूसरी बाइक्स होती हैं कोई सी भी, तो उसमें जब ये ऊपर का आता है तो कुछ ज़्यादा ही हाइट होती है या फिर बहुत नैरो होता है, तो उसमें सिटिंग पोजिशन कम्फर्ट इतना अच्छा नहीं होता है। इसमें ये लुक के हिसाब से ऊपर है मगर है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एक्चुअली, बिकॉज वैसे भी रूल यही है दो लोगों को बिठाना है। अब SP और इन सब की ऐसी सीटें हैं ना कि तीन लोग भी बैठ सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है, तो पिलियन और राइडर के लिए सेपरेट सीट दी है, तो अपना एक कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। जैसा कि अभी तो मुझे गाड़ी पूरी स्टॉक लग रही है, बट क्या कुछ एसेसरीज इस टाइम पीरियड में लगा ली या इन फ्यूचर लगवाने का प्लान है? अभी तक तो मैंने नहीं लगवाई है, लेकिन मेरा प्लान है, यहाँ पर एक एसेसरी आती है कंपनी ने ये जगह दी है, ये खुल जाता है, यहाँ पर एक USB पोर्ट लग जाता है जिससे अपना फ़ोन हैंडली चार्ज कर सकते हो या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, वो सब कुछ चीज़ें, और उसके अलावा कोई एसेसरीज का मेरा प्लान है नहीं। मेरा शुरुआत में प्लान ज़रूर था कि मैं कैफे रेसर में किसी बाइक को मॉडिफाई करवाऊं, मगर क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं, पुलिस वाले रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। हालांकि मैंने भी अपनी स्प्लेंडर मॉडिफाई कराई है, मॉडिफाइड गाड़ी के शौक बहुत रहते हैं, बट वो है कि डेली पर्पस पे यार मतलब वही हो जाता है कि पुलिस से बच बच के चलो, वो एक चीज़ है। मतलब एग्जॉस्ट या मिरर हटाना ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल गाड़ी रखनी है जेन्युइन जैसी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो 6 महीने में अराउंड 5,600 किलोमीटर, मतलब 6,000 किलोमीटर ही चला ली है, अभी थोड़े रन में 6,000 भी हो जाएगी, तो ओवरऑल गाड़ी के कुछ कॉन्स, देखो प्रोस तो बहुत सारे इसलिए इस गाड़ी को ओन करा है अच्छी बातें देख करी, बट क्या कुछ कॉन्स है जो इस टाइम पीरियड में फेस हुए जो व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? कुछ कॉन्स जरूर हैं, जैसे कि इसका जो गेयर बॉक्स है वो काफ़ी शेकी है और बहुत ढीला सा लगता है, मतलब वो प्रीमियम क्वालिटी का नहीं लगता है कई बार, ये मैंने सर्विस कराते हुए उनको कहा भी था तो उन्होंने कहा था कि इसे ठीक करेंगे, पर वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और उसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पर जो डैश पर इसका माइलेज दिखाने का फीचर दिया है, जो दूसरे फीचर दिए अभी भी देख रहे होंगे 99 kmph बता रहा है, वो तो मतलब एक्चुअल में देना भी नहीं है, जो कि एकदम गलत है। ये मैं बात कर चुका हूँ, उन्होंने कहा है कि ऊपर से जब से फीचर आया है कंपनी वालों ने इसको ठीक नहीं करवाया है, वो कोशिश कर रहे हैं टेक्निकलिटी को उसको ठीक करने की, और ये अभी तक बाइक को आया हुआ है 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जब मैंने ली थी तभी आई थी और अभी तक ये सही नहीं हो। मतलब अभी तो भाई शूट के लिए जल्दी आ रहा था, उसके बाद बाइक भगा के ही लाए होंगे ऑब्वियसली, गियर चेंजिंग इतनी हुई फिर भी मतलब 99 का दिखा रहा है जो कि गलत चीज़ है। 99 बिल्कुल गलत है, मतलब कोई ओनर इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, बाकी फ्यूल गेज वगैरह तो सही दिखाता है ना, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही दिखाता है। और उसके अलावा जो है अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं जरा सी भी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कुछ कुछ दिनों में इसके नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, आवाजें आने लगेंगी। जी गाइस एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लोग ग्लैमर स्प्लेंडर ये सारी गाड़ियां इसलिए लेते हैं बिकॉज आप SP125 में देखोगे रेडर में देखोगे सारे फाइबर पार्ट्स हैं, मैं भी एंटोर कोन करता हूँ, वो भी मतलब अब 2 साल हो गए बजने लग गई है, तो ये भाई को इशू फेस हो रहा है, मतलब थोड़े ऑफ रोडिंग पैचेस में साउंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, है भी नहीं वो बाइक उस चीज़ के लिए, मगर आप करते हो अगर तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर वो फिक्स भी हो जाती हैं, सर्विसेज वो देते हैं 3 से 4 फ्री। ग्राउंड क्लियरेंस या और कौन सी चीज़ से? ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका, मगर हमारे यहाँ के ब्रेकर्स खराब है, विद पिलियन हो तो टकराने का इशू पक्का टकराता है, अपने कॉलेज में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ डेली एंट्री पे ही टकराता है वो, आराम से निकालो कोई दिक्कत नहीं हो तो। बाकी और कुछ दिक्कत गाड़ी से फेस हुई हो? और कुछ ऐसी खास दिक्कत तो नहीं हुई है, इसके जो एक्चुअल जो टायर्स आते हैं कंपनी से इनके ग्रिप पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इनसे मैं बहुत बार फिसलते हुए बचा हूँ, तो मैं जब भी स्पीड बढ़ाता हूँ तो मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं टर्न नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, कौन सी कंपनी है, क्या किया है इन्होंने, बट ये है कि पीछे का फिर भी आपको मतलब मोटा तो नहीं बोलूंगा पर फिर भी 100 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम है, ब्रेक्स का कैसा रिस्पॉन्स है? बिकॉज रियर में ड्रम है तो कभी ऐसा हुआ है कि इमीडिएट ब्रेकिंग में रियर टायर स्किड खा गया हो? नहीं, स्किड तो कभी नहीं गया है, फ्रंट टायर स्किड काफ़ी करता है क्योंकि वो ग्रिप की वजह से आया गया सड़कों पर। और उसके अलावा जो इसका डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं कि एक दबाव दोनों, वो काफ़ी काम आता है आजकल क्योंकि मैं शुरू में स्कूटी चलाता था तो मुझे पता है। इसके अलावा जो इसका एक और फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है, जो लेने के समय भी काफ़ी बड़ा एक चीज़ रही थी, वो था इसका ये जो छोटी सी डिक्की देते हैं, ये यूटिलिटी स्पेस बहुत कम बाइक्स में आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली देखो लड़कों को ज़्यादा सामान तो ले नहीं जाना पड़ता, छोटा मोटा स्टफ है आपके स्पेशली डॉक्यूमेंट्स हो गए, फर्स्ट एड किट, टूल किट वगैरह के लिए यूटिलिटी स्पेस पिलियन सीट के पीछे मिल जाती है, तो मतलब ये छोटी चीज़ें और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और मतलब ये डेली पर्पज़ में यूज़ की भी रहती है कि यूज़ आती है अगर छोटी चीज़ें हैं आपके पास
और उसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ा फ़ोन है या फिर आपके पास बड़ी चीज़ें हैं जो आप रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके पास स्कूटी का कंफर्ट हमेशा से रहा है, स्कूटी में जो चाहो जो लाओ डाल दो, उसमें हेलमेट डाल दो जो करना है, पर यहाँ पे इतना कंफर्ट नहीं है, पर एक नॉर्मल बाइक से अलग थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। आप इसके अंदर अपने ईयर गॉड्स डाल सकते हो, अपना चश्मा डाल सकते हो। सो गाइस देखो, ओवरऑल तो अपने हर्ष भाई ने डिटेल में सारी चीज़ें शेयर कर दी है, वीडियो को लेंथी नहीं ले जाएंगे, बिकॉज जो एक बेसिक चीज़ है एज अ कस्टमर आपको पता होनी थी वो तो भाई ने सारी शेयर कर दी। बट ओवरऑल कंक्लूजन में आते हैं कि जिसको भी इन द ईयर 2022 एक बाइक लेनी 125cc की, स्पेशली रेडर का सोच रहा है, तो क्या सजेस्ट करोगे, लेना चाहिए कि नहीं? अगर रेडर का सोच रहे हो और आपका बजट भी रेडर के जितना ही है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। मुझे अभी तक ऐसी कोई खासा दिक्कत नहीं आई है, काफ़ी अच्छी चल रही है और सर्विसेज भी इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि TVS। और उसके अलावा आपको ये लुक्स देगी, माइलेज देगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और डेली कम्यूट के लिए बेस्ट है। स्पेशली गाइज कॉलेज गोइंग टीन को फोकस करके बनाई गई है। ऑल राइट गाइज, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। थैंक यू हर्ष भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, भाई ने अपना सारा जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और रेडर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो।